क्वेश्चन है कि इन फ्री स्पेस राइफल जो कि फिक्स किया हुआ है और उसका मास कैपिटल एम है, शूट्स ए बुलेट, ये एक बुलेट को शूट करता है जिसका मास है स्मॉल एम, और एक स्टेशनरी ब्लॉक भी है जिसका मास कैपिटल एम है और वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। व्हेन द बुलेट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी टुवर्ड्स द ब्लॉक, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। पहले यहाँ पर डायग्राम बना लो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये राइफल है जो कि अपने जगह पर फिक्स्ड है और यहाँ पर कुछ दूर में एक स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम और इनके बीच का जो दूरी है वह कैपिटल। अब बुलेट इससे फायर होता है और कितना डिस्टेंस जा चुका है बुलेट, बुलेट अभी जो है वो डी डिस्टेंस आगे जा चुका है, क्योंकि ये गन फिक्स्ड है तो इसका रिकॉइलिंग नहीं होगा, गन पीछे नहीं जा पाएगा, बुलेट केवल आगे जाएगा। तो हमें यहाँ पर बुलेट की और जो ब्लॉक है इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा गया है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, मीन्स इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो बुलेट जो इससे कितना दूर है, डी माइनस एक्स सेंटर ऑफ मास अगर लिखना हुआ, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू होता है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अभी एम वन ये कहाँ ओरिजिन माना इसको, तो ये जीरो हो गया, सो कैपिटल एम इंटू जीरो प्लस बुलेट का मास है स्मॉल एम और वो कितना दूरी पे है, तो डी माइनस डी दूरी पे डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जो कि आ जाएगा एम इंटू डी माइनस डी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम, और इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा।